हे गाइस, हार्दिक मिश्रा दिस साइड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं द मोस्ट डिमांडेड वन वीडियो। प्रायोरिटी लिस्ट बता दो भैया, पेपर नंबर 5 की। बस हम लोग आप गंगा नहा ले एक बार जल्दी से, और प्रायोरिटी लिस्ट बता दो पेपर नंबर 5 की। मैं बोलो ओके, चलो प्रायोरिटी लिस्ट आपको बताई दे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब क्या होता है, जो बच्चे नए होंगे और जिन लोगों को पता नहीं होगा इस सीरीज के बारे में, प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब ये होता है 20% काम, 80% मार्क्स। 80-20 प्रिंसिपल जानते हो, 20% चैप्टर्स पढ़ेंगे, 80% मार्क्स स्कोर करेंगे। मतलब सिंपल शब्दों में टॉप 5 या टॉप 6 ऐसे चैप्टर जिसको आप पढ़ लो तो हल्के से हल्का, मतलब आप लिटरली ये 5-6 चैप्टर करके जाओगे, आप एग्जाम में बैठ जाओगे 50+ स्कोर कर लोगे। तो भैया क्या आप ये बोल रहे हो कि हम लोग पूरा सिलेबस ना पढ़े? क्या हम लोग एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं या हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं? हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि ये प्रायोरिटी लिस्ट आपको बताई इसलिए जाती है कि इन चैप्टर्स पे आपको अपना मेजर फोकस बनाए रखना है। क्योंकि बच्चे क्या करते, गलती करते हैं, उनको दिख रहा है बुक में 20 चैप्टर, 20 के 20 चैप्टर में ऐसा डुबकी लगाएंगे फिर डूब ही जाएंगे। तो डूबना नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसमें से 20 चैप्टर में से 5 या 10 चैप्टर ऐसे हो जो आपके काम के ही ना हो। तो इसीलिए बोल रहा हूं प्रायोरिटी लिस्ट जानना बहुत जरूरी। पर वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आज 12 तारीख है, 12 तारीख को वीडियो ऑन बोर्ड आ चुकी है, तो 13 तारीख को मैं एक लाइव सेशन ले रहा हूं अनअकैडमी में दोपहर को 3 बजे, जिसमें मैं सीएमए इंटरमीडिएट वाले बच्चों का पेपर, जो न्यू पैटर्न आ चुका है, जो न्यू ऑनलाइन एग्जामिनेशन आ चुका है, उसको ब्रेक डाउन करने वाला हूं बहुत तरीके से, बहुत रिसर्च के साथ, कि ऑफलाइन ऑनलाइन पेपर में अंतर क्या था, टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, आंसर कैसे क्रैक करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। भैया एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, 3 घंटा बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 3 घंटा कम टाइम है, क्योंकि काम यहां बढ़ चुका है। पहले तुम लोगों को आंसर सोचना पड़ेगा, फिर उसको टाइप करना पड़ेगा। एमसीक्यू सिलेक्ट करने के लिए तुमको पहले आंसर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। प्लस बच्चे बोल रहे थे भैया रिकॉर्डेड डाल दो ना, लाइव लेने की क्या जरूरत। तो लाइव लेने की जरूरत यह है कि अगर मैं रिकॉर्डेड डाल भी देता हूं, तुम लोग कमेंट करके मेरे से डाउट पूछते हो, उससे बेटर क्या होगा? उससे बेटर ये होगा कि हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन करें और तुम लोगों के डाउट्स ऑन द स्पॉट में क्लियर कर दूं तुम लोगों के चैट्स पढ़ के। सो दैट इज समथिंग रियली गुड। तो इसीलिए आप लोगों को ज्वाइन करना है, तो कल 3 बजे आपको ज्वाइन करना है अकेडमी में। बाकी सारी चीजें, बाकी सारी डिटेल्स आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो और उस लिंक के थ्रू जाके नोटिफाई मी में क्लिक करो और फिर मेरा कोड यूज करना हार्दिक मिश्रा, तो वो क्लास अनलॉक हो जाएगी और इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट पेपर नंबर 5, दैट इज माय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अगेन प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हम लोग इसको, 1, 2, 3, 4 चार सेक्शंस में प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, एंड देयर इज आल्सो फिफ्थ सेक्शन जो कि मैंने यहां पर हिडन रखा है, जो तुम लोगों को मैं लास्ट में बताऊंगा। तो प्रायोरिटी लिस्ट नंबर वन ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आ रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम में दोनों भी अटेम्प्ट, मतलब री एग्जाम हुआ उसमें भी आ गए और जो मेन एग्जाम हुआ उसमें भी आ गए, और अच्छा खासा तुम्हारा 30 मार्क्स दे गए। ओ माय गॉड, 30 मार्क्स दे गए, मतलब समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाते हैं। तो चैप्टर वो पहला है हायर परचेस, बहुत इजी चैप्टर है, 5 से 6 केसेस आपको समझने हैं। हायर परचेस में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैश प्राइस कैसे निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट्स कैसे निकालते हैं, बस इतनी चीजों को समझना है। हायर परचेस चैप्टर घोट के पी जाओगे। उसके बाद आ रहा है ब्रांच और डिपार्टमेंट चैप्टर एक साथ है, ब्रांच या डिपार्टमेंट, ब्रांच ऑब्लिक डिपार्टमेंट, दोनों में से कोई एक ही चैप्टर का क्वेश्चन आता है और आराम से 10 से 12 मार्क्स पे पेपर में अपनी जगह बना लेता है। 10 से 12 मार्क्स मतलब समझ रहे हो, एक चैप्टर 10 से 12 मार्क्स, इससे इजी क्या हो सकता है। फिर आ रहा है द मोस्ट शॉर्टेस्ट चैप्टर ऑफ योर बुक एंड द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड रॉयल्टी अकाउंट। तो या तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर आएगा या तो रॉयल्टी अकाउंट आएगा, दोनों में से कोई एक चैप्टर आएगा, पर इतना इजी चैप्टर है, मैं लिटरली बता रहा हूं, दोनों एक एक दिन के चैप्टर है, पहली बार भी पढ़ोगे ना तो दोनों एक एक दिन के चैप्टर है और बहुत आसानी से तुमको मार्क्स दे देंगे। तुमको बेसिक लेजर बनाने आता है तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर चैप्टर बन जाएगा, अगर तुमको बेसिक कैलकुलेशन आती है और कॉमन सेंस तुम्हारा एट पार है, तुमको रॉयल्टी बन जाएगा। बस रिकूप कराना है, मिनिमम रेंट और एक क्वेश्चन बस टफ है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, उसको समझना है, दैट्स ऑल। फिर आ रहे हैं तुम्हारे प्यारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अपने आप में छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस वाली स्ट्रीम के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये दोनों पेपर में आराम से 8 मार्क्स तक की जगह बना लेते हैं, मतलब समझ लो 6 से 8 मार्क्स, और इतने छोटे हैं कि एक हफ्ते में दोनों खत्म हो जाएगा। भैया एक हफ्ता क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं पर्सनली बच्चों को रेकमेंड करता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ो, मैं इसलिए रेकमेंड करता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को तुमको इन डेप्थ नॉलेज लेनी, तो इसीलिए आराम से तुम लोग 6 से 8 मार्क्स की अपनी जगह बना लोगे। तो ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी और 30 मार्क्स तुम्हारे जेब में आ चुके हैं ऑलरेडी। कितने चैप्टर पढ़ के? 1, 2, 3 एंड 4, 4 चीजें पढ़े और 30 मार्क्स तुम्हारे जेब में आ चुके, बस 10 मार्क्स और चाहिए पास होने के लिए, तो वो तुम्हारा काम कंप्लीट करा देगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, भैया पार्टनरशिप क्यों नहीं बोले? क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड छोटा चैप्टर है, बेसिक लेजर बनाने आता है, कॉमन सेंस अच्छा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो जाएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 10 से 12 मार्क्स का आता है, तुम पास हो चुके ऑलरेडी। प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग यू आर ऑलरेडी, यू आर फिनिश्ड द एग्जाम। ठीक है, बस अब बात करते हैं एग्जम्पशन के लिए, पास हो चुके हैं, 40 मिल चुका है, अब एग्जम्पशन तक जाते हैं। चलो, तो एग्जम्पशन में जाने के लिए पार्टनरशिप तुम्हारी हेल्प करेगा और ये तुम्हारी नैया पार लगाएगा।
पार्टनरशिप बहुत बड़ा पोर्शन है अपने आप में बुक में, पर बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ में बन जाता है। प्लस अगर बच्चा 12th में पार्टनरशिप पढ़ा है और उसकी पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग है तो ये पोर्शन उसको अल्ट्रा इजी लगने लगता है। क्या इजी लगने लगता है? अल्ट्रा इजी। लाइक पर्सनली मैं बताऊं तो जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उन लोग जो पार्टनरशिप जिनका क्लास 12th में स्ट्रॉन्ग था उन लोग तो पार्टनरशिप की कुछ वीडियोस तो देखे भी नहीं और उनको बुक के क्वेश्चन बन गए। तो मैं बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम फ्लैट अपना टाइम बचा लियो। तो पार्टनरशिप इसके बाद आ जाता है। फिर आ रहा है फाइनल अकाउंट का एनपीओ, अप्रॉक्सीमेटली 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दोनों में से कोई एक ही आता है। दोनों तो एक साथ नहीं आ जाएगा, या तो फाइनल अकाउंट आ रहा होगा या तो एनपीओ आ रहा होगा, दोनों में से कोई एक आ रहा होगा। रीजन बड़ा सिंपल है कि दोनों के जो क्वेश्चन की लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, क्योंकि तुमको पता है ना, तुमको पता है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये सिर्फ पैसा पैसा करता है और पैसे पे ही मरता है, ठीक है। तो बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तुमको बनाने बोल देता है, इनकम एक्सपेंडिचर दे देगा, बोलेगा रिवर्स फॉर्मेट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, ठीक है, या फिर इनकम एक्सपेंडिचर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट एनपीओ में, और फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन तुमको पता है ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी थर्ड प्रायोरिटी, और इतनी प्रायोरिटीज कंप्लीट करने के बाद 30+20+15 आप 65 खेल चुके हो और आप एग्जेप्शन स्कोर कर चुके हो ऑलरेडी सब्जेक्ट में। अब आ रहे हैं तुम्हारे ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे वाले चैप्टर जो अब तुमको सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखना है। तो इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक क्वेश्चन कभी कभार आता है, 2-3 अटेम्प्ट में एक बार आता है इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन। फिर आ रहा है कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, अगेन 2-3 अटेम्प्ट में एक बार क्वेश्चन आता है, फुल प्लेस 4-6 मार्क्स का बस। फिर आ रहा है तुम्हारा फाइनली रिमेनिंग पोर्शन, दैट इज योर स्टडी नोट नंबर 1 थ्योरी एंड स्टडी नोट नंबर 2। अगेन इसके जो बचे हुए पोर्शंस हो गए तुम लोगों को पता है इसमें क्या क्या आ रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, बेसिक्स, ये सारे चैप्टर्स जो आ रहे हैं वो तुम्हारी एमसीक्यूज में, फिलअप्स में, मैच द कॉलम में, ये सब में तुम्हारी जगह बनाते हैं। और अब क्योंकि एग्जाम फुल फ्लेज एमसीक्यू बेस्ड होगा या नॉर्मल एग्जाम भी हो रहा है तुम्हारा, तुम समझ रहे हो सेंटर बेस्ड एग्जाम होगा, होम बेस्ड तो होने नहीं वाला क्योंकि इतने सारे बच्चे डिपार्ट हो चुके हैं, तुमको ये बात पता होगी, ठीक है। तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो अब तुम्हारे लिए ये जो बचे हुए चैप्टर है वो पेपर में अपनी जगह बनाएंगे अप्रोक्सीमेटली 5-8 मार्क्स के लिए, बचे हुए रिमेनिंग 5-8 मार्क्स के लिए, बाकी ये पूरी जगह इतने चैप्टर्स पेपर में कवर कर लेंगे बड़ी आसानी से। और जहां जहां पर ऑब्लिक लगा हुआ है या तो वो दोनों में से कोई एक आता है, ऐसा वाला सीन है। तो भैया क्या मैं स्मार्ट वर्क करूं, मतलब अगर क्या रॉयल्टी और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में से कोई एक क्वेश्चन आता है तो मैं सेल्फ बैलेंसिंग करके चले जाऊं, रिस्क लूं? नहीं बेटा, रिस्क है तो हमेशा रिस्क नहीं है, ठीक है, हमेशा पेपर में तो ये चीज बिल्कुल मत कर, लाइक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। और अगर तुमको 100% पता भी रहता कि नहीं यार न्यूमेरिकल थ्योरी ऑप्शन आएगी तो थ्योरी छोड़ देता हूँ, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करूंगा, तब बात अलग होती, पर अब सिचुएशन अलग हो रही है, न्यू पेपर पैटर्न तुमको आइडिया भी नहीं है कैसा है न्यू पेपर पैटर्न, इसलिए बोल रहा हूं कल दोपहर को 3 बजे मैं जब लाइव क्लास ले रहा हूँ आप सबको बड़ी मात्रा में ज्वाइन करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको बताओ कि हमें ज्वाइन करना है और हमें समझना है कि न्यू पेपर पैटर्न में इंस्टीट्यूट वॉट फ्रॉम आवर साइड, ठीक है, इंस्टीट्यूट हमसे चाहती क्या है, ठीक है, वो किस टाइप का एग्जाम पैटर्न कंडक्ट करा रही है और किस तरीके की हम लोगों को किस तरीके से टेस्ट करना चाह रही है, किस जगह पे हमसे टेस्ट करना चाह रही है, ये चीज हम जरूर से समझने की कोशिश करेंगे। तो कल बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे ज्यादा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरीके से बने रहिए चैनल में लाइट कलर का सब्सक्राइब बटन को ग्रे करते हुए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।